आवाज आ रही है सबको? सर। चलिए आज हम लोगों को पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए ड्यूअल नेचर, ड्यूअल का मतलब क्या होता है? ड्यूअल का मतलब आप नॉर्मल भाषा में सब समझें तो डबल, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो पहले बात करते हैं किसकी? रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर कौन कौन सा? पहला कि लाइट पार्टिकल है और दूसरा लाइट वेव है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले ऑलमोस्ट 1675 के आसपास न्यूटन की थ्योरी आई थी कि लाइट क्या है, पार्टिकल से मिलकर बनी है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल का नाम उसने दिया था कॉर्पस्क्यूल्स, या उसी का नाम था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। फिर उसके बाद आपको बताया गया था जब इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स पढ़ाई गई थी कि वही मान के चलिए लगभग 1801 या 2 के आसपास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, और जिससे क्या प्रूफ हुआ कि लाइट जो है क्या है, लाइट इज ए वेव। इसके बाद और भी फिनोमेना हुई जैसे कि आपका डिफ्रैक्शन हुआ या पोलराइजेशन हुआ, जिससे ये पता चला कि लाइट क्या है, वेव। पहले यहां से लेकर इतने साल तक लोग न्यूटन को सही मानते रहे, फिर जब ये हो गया तो लोगों ने वेव को सही मानना शुरू कर दिया। इसके बाद एक और फिनोमेना आई, फिर आए आइंस्टाइन 1905 में लेकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कई साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, ऐसा नहीं केवल आइंस्टीन ने किया, लेकिन जो डिटेल्ड थ्योरी दी इसकी वो दी आइंस्टीन ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ऑब्जर्व सब कोई कर रहा था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी आप ऑब्जर्व कर सकते थे जब लाइट को आप क्या माने, पार्टिकल माने। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इस थ्योरी के आने के बाद फिर लोगों ने ये नहीं कहा कि न्यूटन ही सही है, हाइगेंस गलत है। फिर लोगों ने क्या मान लिया कि भैया देखो बार बार यही चीजें रिपीट हो रही हैं, तो कह देते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर है। हालांकि जो आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल और जो न्यूटन ने कहा था मेड अप ऑफ पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल में जमीन आसमान का अंतर था। आइंस्टीन ने कहा था जो ये पार्टिकल है ये फोटोन है, जो पार्टिकल है ये क्या है, फोटोन,
और आइंस्टीन वो न्यूटन का जो है कहना था वो इन सबसे अलग था। तो बेसिकली डिफरेंस ये था कि जो पार्टिकल के बारे में बात बताई गई वो पार्टिकल दोनों के क्या थे, अलग अलग थे। क्लियर है? अब देखिए, अगर फोटोन के बारे में बात करें तो फोटोन के बारे में आपको एक दो चीजें जान लेनी है। क्योंकि अब पूरा यूज किसका है यहाँ, फोटोन का। तो फोटोन पहली बात कैसा है, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। दूसरा, फोटोन की जो स्पीड है वो होती है 3×10^8 m/s। ये स्पीड देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये स्पीड किसकी है, लाइट की। ठीक है? फोटोन की जो एनर्जी होती है वो फिक्स एनर्जी होती है, क्या होती है, E इज इक्वल टू HC/λ। लैम्डा क्या है यहाँ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एच का जो वैल्यू होती है 6.64×10^-34 J/s। जूल पर सेकंड होगी, एक मिनट रुकना जरा। ई बराबर एच न्यू, न्यू को इधर लाइए तो 1/ν, नहीं जूल सेकंड, जूल सेकंड। ये होती है एच की वैल्यू, कांस्टेंट है। लाइट की स्पीड आप जानते हैं 3×10^8 m/s। क्लियर है? फोटोन की यस एनर्जी सर। क्या है, फिक्स है। यहां से आप दूसरी चीज भी, दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं, ई बराबर एच न्यू। एच फिर से प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है इस बार, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है वो ये है कि देखिए, जो फोटोन की एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, केवल और केवल वेवलेंथ पर। ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो फोटोन एनर्जी, ये रेड मार्कर दिख रहा है, यस सर। फोटोन एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड क्यों नहीं करेगी। देखिए, इंटेंसिटी का मतलब केवल ये है कि आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। जैसे इंटेंसिटी आपने अगर बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे भाई, ज्यादा इंटेंस हो जाना। ठीक है ना? लेकिन उससे फोटॉन की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं आएगा। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब इंटेंसिटी है मान लीजिए 2, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं 10। ठीक है? इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी कितनी, 4। मान लीजिए नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए 15, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए हैं। लेकिन ये फोटॉन्स तो एक ही तरीके के हैं ना, फोटॉन्स तो फोटॉन्स ही है। मान लीजिए कि आपके पास येलो कलर की लाइट थी, अब एक बार येलो कलर की लाइट को आप इस इंटेंसिटी पर जला रहे हैं, एक बार येलो कलर की लाइट को आप इस इंटेंसिटी पर जला रहे हैं, तो इसमें फोटोन की संख्या ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ब्राइटनेस जरूर इसकी ज्यादा होगी। लेकिन जो फोटोन की बात हो रही है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है,
वो क्या होगी, सेम होगी, वो नहीं बदलेगी, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करती है, लैम्डा पर, और येलो के लिए लैम्डा क्या है, फिक्स है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोन की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं आने वाला, समझ रहे हैं बात को? यस सर। फिर क्या बताया गया कि फोटोन की एनर्जी ये है, फोटोन का क्या होता है, मोमेंटम होता है, क्या होता है, पी बराबर एच बाई लैम्डा। एच जहां क्या है, कांस्टेंट है, वही प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। और एक पॉइंट जानिए कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। ये सब चीजें आपको जाननी थी किसके बारे में, फोटोन के बारे में। अब बात आप करते हैं अपने टॉपिक की, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों एक ही बातें हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई मेटल का क्या है, सरफेस है। आप जानते हैं मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये मेटल का सरफेस है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई मेटल हो, तो इसका ये ऊपर वाला क्या है, ये सरफेस। अब इसमें आप जानते हैं मेटल के सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं। अच्छा, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? क्योंकि सर जी ये कक्षाओं के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अच्छा, मतलब ये फ्री है कहीं भी जाने के लिए। तो अगर ये फ्री है तो ये बाहर भी तो जा सकता है। बताइए, अगर ये फ्री है तो ये बाहर भी जा सकता है? बोलिए भाई। पता नहीं, पता नहीं। ये फ्री जरूर है, लेकिन ये केवल अंदर घूमने के लिए फ्री है, बाहर जाने के लिए फ्री नहीं है, ठीक है ना? अगर इसको बाहर भेजना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपने इस सरफेस पर क्या इंसिडेंट कराई, एनर्जी, किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। क्या है ये, लाइट, या इसी को बोलते हैं रेडिएशन। अब ये जो लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हैं, ये जो लाइट है ये हाई एनर्जी की होनी चाहिए। अब देखो दूसरा इसको कहने का तरीका क्या है, देखिए E बराबर क्या है, एच सी बाई लैम्डा। अगर एनर्जी हाई है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो दूसरा तरीका हाई एनर्जी और लो वेवलेंथ। जब किसी मेटल के सरफेस पर हाई एनर्जी या लो वेवलेंथ की लाइट या रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, इस घटना को, इस इंसिडेंट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ रहे हैं? Yes, जब किसी मेटल के सरफेस पर हाई एनर्जी या लो वेवलेंथ की लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते
समझ रहे हैं बात को? अब देखिए बात ये आती है कि आखिर ये आपने कहा हाई एनर्जी, हाई एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी, कोई तो लिमिट होगी, कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि कितना देना है। तो वह मिनिमम एनर्जी भाई ये है, जैसे जैसे आपको ध्यान होगा घर में जो है छोटे बच्चे होते हैं, अब वो बात बात पे रोने लगते हैं, फिर आप उनको देते हैं, अब तो खैर जमाना बदल गया है, मान लीजिए आपने 5 रुपए दिया, चुप हो जाओ। अब कोई बच्चा सीधा है, 5 में चुप हो गया, कोई बच्चा नहीं माना, आपने 10 दिया तब भी नहीं माना, आपने 15 दिया। तो हमें वो लिमिट ढूंढनी है, मतलब देखिए ये जो आप दे रहे हैं, कोई 5 में चुप हुआ, कोई 10 पर चुप हुआ, कोई 15 पर चुप हुआ, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? बच्चों के नेचर पर। समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। इसी तरह हर सरफेस, मतलब मेटल कोई एक तो है नहीं, मेटल तो कई हैं, तो हर मेटल के लिए ये जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, जो कम से कम दे दें कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट है जो उसके मन में है, जो आप उसको दे देंगे तो आपकी बात मान जाएगा। इसी तरह हर मेटल सरफेस के लिए कोई ना कोई एनर्जी है, जिसको आप अगर आप कम से कम उतनी दें तो ये संभावना है कि आपका काम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आज कोई बच्चा 5 में चुप हो गया तो जरूरी भी नहीं कि कल 5 ही में चुप हो जाए, लेकिन हाँ ये संभावना है कि वो चुप हो सकता है। तो एक कोई लिमिट होती है, तो वही लिमिट यहां पर देखनी है कि मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज, क्या कहते हैं, बोलो, बोल रहे वर्क फंक्शन इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसको डिफाइन करते हैं फाई से, कुछ लोग डब्ल्यू से भी डिफाइन करते हैं। मिनिमम एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी तो कम से कम देनी ही पड़ेगी किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से बाहर निकालने के लिए, इतनी एनर्जी तो कम से कम देनी ही पड़ेगी। कितनी एनर्जी, वर्क फंक्शन के बराबर। अब ये वर्क फंक्शन जो आपका है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मेटल पर, वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मेटल, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन। जितना किसी का वर्क फंक्शन कुछ होगा, किसी का वर्क फंक्शन कुछ होगा, मतलब अगर आप चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो तो कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी तो देनी ही देनी पड़ेगी। बाकी की बात इसके बाद में होगी, बाकी की बात तो बाद में होगी, लेकिन कम से कम इतना तो देना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यस सर। तो मिनिमम आपने कितना दिया, वर्क फंक्शन के बराबर। अब देखो बात यह है, एक तरफ यह कहा जा रहा है कि वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जिसको अगर आप दे दें तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। दूसरी चीज ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी दी हुई एनर्जी, आप कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, ई, अगर ये ग्रेटर देन है किससे, वर्क फंक्शन से, तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन यहां पर हम ये बता रहे हैं इट इज नॉट नेसेसरी टू नॉट नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रॉन, आज मार्कर की पोजीशन खराब है, फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ सरफेस। लेकिन देखिए बात समझिएगा, कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने उतनी एनर्जी दे दी या उससे ज्यादा दे दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वो वाली पिक्चर किसी ने देखी है, धमाल, देखिए किसी ने,
बोलो भैया। नो सर। नहीं देखी, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद गूगल में यूट्यूब पे जाइएगा और उसमें लिखिएगा धमाल बेबी क्राइंग सीन। उसमें संजय दत्त के साथ एक बच्चा रहता है गाड़ी में, संजय दत्त जा रहा होता है 10 करोड़ रुपए ढूंढने, तो वो बच्चा जो है रो रहा होता है, तो उससे कहता है कि अगर पैसे मुझे मिल गए तो मैं 1 लाख दूंगा। तो वो बच्चा और जोर से रोने लगता है, कहता है 2 लाख दूंगा, और जोर से रोने लगता है, हो सकता है वैल्यू चेंज हो गई हो इतना मुझे याद नहीं है, फिर कहता है 3 लाख दूंगा, तो और जोर से रोने लगता है। तो संजय दत्त पूछता है कितने चाहिए, तो कहता है पूरे के पूरे 10 करोड़। तो वही मैं कह रहा हूं कि इतनी एनर्जी तो कम से कम देनी है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। जैसे मान लीजिए कि आप पेपर देने जाते हैं एग्जाम, 33 नंबर क्या होते हैं, पासिंग मार्क्स होते हैं 100 में से होते हैं। यस सर। अब मान लो तुम्हें नहीं आता कुछ, बिल्कुल जीरो, अब आप जो है 33 नंबर की नकल लेकर गए चिट में लिखकर, भाई आपको ये था कि मुझे पास बस होना है, मैं 33 नंबर की नकल लेकर जा रहा हूँ, 33 ले आऊंगा पास हो जाऊंगा, ठीक है। आप 33 नंबर की नकल लेकर गए, तो आपको नकल कितनी दी गई, 33 नंबर की। अब बताइए क्या ये जरूरी है कि आपके 33 नंबर आ ही जाएं? अगर आप 33 नंबर की नकल लेकर जा रहे हैं, उस नकल से चिट से कॉपी में लिख रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि आपके 33 नंबर एग्जाम में आएंगे? नो सर। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपने 20 नंबर का लिखा हो और आपकी चिट पकड़ गई हो। तो लेकर तो आप गए, मतलब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो आपने दे दी, लेकिन अब इसके आगे भी कई चीजें हैं, मतलब इतना तो कम से कम करना ही करना है, इतना तो कम से कम करना ही करना है, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जैसे अपने समाज में जो जैसे शादियां होती हैं, तो कुंडली तो मिलनी पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बाद फिर लेन देन की बात करेंगे। मतलब पहले सबसे पहला टास्क क्या रहता है, कुंडली मिलाना, सबसे पहले क्या मिलती है, कुंडली, फिर लेने देने की बात उसके बाद में। अगर कुंडली ही ना मिली तो काम पहले ही खत्म हो गया। तो ये है कि वर्क फंक्शन के अगर आपने बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी नहीं दी तो बात ही खत्म। हाँ अगर दे दी तो फिर आगे के फैक्टर सोचते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो वही है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम मिनिमम एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा दे दी तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा। उसके बाद भी कई संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं से निकल कर आती है आइंस्टीन की बहुत फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके लिए उनको नोबल प्राइज मिला। क्लियर है? तो चलिए देखें। यस सर। चलिए देखिए, चलिए मान लेते हैं कि हमने कोई ऐसा मेटल लिया है जिसका वर्क फंक्शन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब लोग जानते हैं, ये ई छोटा रहता है, वी क्या रहता है, बड़ा। ये ऊर्जा के एक मात्रक है, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसमें जो ऊर्जा आती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मान लीजिए किसी का वर्क फंक्शन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहां पर वो वैल्यू लेने वाले हैं जो आप एनर्जी दे रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, इसका वर्क फंक्शन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहां पर हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, 4 इसको कम से कम चाहिए किसके लिए, मुक्त होने के लिए, उस सरफेस के बंधन से मुक्त होने के लिए। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें खर्चा की, जो 10 मिली थी, अपने बंधन से मुक्त होने के लिए, यानी कि वर्क फंक्शन कार्य फलन में। अब बाकी की 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर ये क्या हुआ, निकल गया। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो इसकी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब कोलिजन के कारण
कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो, कोलिजन के कारण कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो। वेस्ट एनर्जी कितनी है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वेस्ट एनर्जी को समझिएगा, आपने इलेक्ट्रॉन को दिया एनर्जी कि जाओ बाहर जाओ, इस सरफेस को छोड़कर कहां जाओ? बाहर जाओ। अब इलेक्ट्रॉन को मिली एनर्जी, मान लीजिए किसी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, अब उसके जो अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन है उनके पास तो एनर्जी कम है। जैसे इस तरह समझिए कि चार दोस्त हैं, अब किसी एक के पास क्या मिल जाए? ताकत मिल जाए। उससे कहा जाए कि जाइए अब आप बुराइयों को खत्म करिए, तो अगर वो बहुत बढ़िया है, वो आदमी बहुत बढ़िया है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़िया है, तो चुपचाप बढ़िया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा करके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए वो बढ़िया नहीं है, तो पहले वो अपनी शक्ति का प्रयोग अपने ही दोस्तों पे करेगा, पहले उन्हीं को कूटेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली है उससे पहले वो क्या करेगा? कोलिजन करेगा। कहाँ? अगल बगल वालों को टक्कर मारेगा कि देखो भैया मेरे पास एनर्जी ज्यादा है। किसी को यहाँ टक्कर मारेगा, किसी को वहां टक्कर मारेगा। और आप जानते हैं कि जब टक्कर होगी तो ऊर्जा का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। एनर्जी का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो अपनी एनर्जी वो किसमें वेस्ट करेगा? कोलिजन में। तो ये बहुत अच्छा वाला इलेक्ट्रॉन था, इसने कोलिजन में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं की। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको चाहिए थी, इसको दिया और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकल गया। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए कि आपने एनर्जी दी है कितनी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन तो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो तो सरफेस की पहचान है। अब मान लीजिए कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा कर दिया, किसमें? कोलिजन में। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें खर्चा किया? कोलिजन में। अब देखिए, 4 ये ले गया, 2 ये ले गया, 6, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये बाहर चला गया। मतलब इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने इसको 10 इलेक्ट्रॉन फिर से दिया, 4 तो यहां लगनी ही लगनी है क्योंकि ये मिनिमम है। इसने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा कर दिया कोलिजन में, यहां वहां नाटक करने में। तो ये कितनी लेके गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ बाहर निकल गया। अब आप मान लीजिए आपने फिर से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 4 तो यहां खर्चा ही करनी है। इसने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कोलिजन में वेस्ट कर दी। तो देखिए 4, 6, 10 हो गया। ये बंधन से मुक्त तो होगा, ये बाहर तो जाएगा, लेकिन 0 काइनेटिक एनर्जी के साथ। मतलब जस्ट जिसे बोलते हैं कि बस पहुंच जाना, चलने के लिए ताकत नहीं बची है, बस केवल बाहर बस आ पाए। मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, 4 तो लगनी ही लगनी है, और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने किसमें वेस्ट कर दिया? भाई देखिए इस तरह समझिएगा कि 10 मिली, 7 पहले ही, अब चाहिए थी 4, बची है 3, यानी कि ये बाहर नहीं निकलेगा, ये अब बाहर नहीं निकलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम देखें कि बताइए सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन कौन था, तो ये वाला था जिसने कोलिजन में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं की। इसलिए जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी है? मैक्सिमम है। इसकी काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या है? मैक्सिमम है। वो मैक्सिमम किसके बराबर है? 10-4 के, यानी कि E-5 के। और यही क्या है? आपकी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा क्या है? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, मैक्स गायब कर देते हैं, इस तरह लिखते हैं K = E-5 और E बराबर लिख देते हैं K, और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा कि भैया एनर्जी दी, कुछ चली गई वर्क फंक्शन में और कुछ मिल गई काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन बिल्कुल सरासर गलत है। E = K + 5 लिख देना, ये सरासर गलत है। आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखना इक्वेशन में। वही इक्वेशन क्या है? सही है। क्योंकि अगर आपने केवल K लिखा है तो इसका मतलब आपने कोलिजन वाली एनर्जी को कंसीडर नहीं किया। इसका मतलब आपने कोलिजन वाली एनर्जी को कंसीडर नहीं किया, जो कि गलत बात है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू किसके आ गया? E - 5 के। यहां से आप इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्स के E की जगह क्या लिख सकते हैं? HC / λ - φ। ये भी इक्वेशन वही है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स H ν, ये भी इक्वेशन वही है। ये सब एक ही इक्वेशन के क्या है? फॉर्म है, ठीक है। कंडीशन क्या है? देखिए, जो E है वो पहले फाई से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। देखिए इस कंडीशन में भी E फाई से क्या है? बड़ा है, लेकिन गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही जाएगा। वेस्ट कर दिया उसने एनर्जी। देखिए E 10 है और फाई 4 है, आपने दिया तो ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। इसका कारण क्या है? कि उसने एनर्जी किसमें वेस्ट कर दी है? कोलिजन में वेस्ट कर दी है। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपने एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा दे दी तो वो बाहर जाएगा ही जाएगा।
ये उसकी अपनी आदतों पर निर्भर करेगा कि वो कैसा इंसान है, कैसा इलेक्ट्रॉन है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। ये टेबल इसी तरह बना लीजिएगा और ये इक्वेशन लिख लीजिएगा, जिससे आपको जो है ये याद रहे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मतलब क्या है। मैक्सिमम तब है जब कोलिजन वाली एनर्जी जीरो है, तो किसके बराबर है, ई माइनस फाइव के। चार इक्वेशन दे के पूछे तो ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जिसमें लिखा हो उसी इक्वेशन को टिक मारना है। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलिए, नेक्स्ट देखना है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? देहली। वो दिल्ली वाला नहीं, देहली आवृत्ति। देखिए, थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है लिमिट। थ्रेस होल्ड का मतलब होता है किसी चीज की लिमिट, बाउंड्री। अब बाउंड्री कहीं भी दो होती है, एक तो क्या होती है अपर बाउंड्री, एक होती है लोअर बाउंड्री। तो थ्रेस होल्ड का मतलब यह है कि या तो ऊपर की लिमिट की बात कर रहा है या तो नीचे की लिमिट की बात कर रहा है। तो जब थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करे तो क्या है, नीचे की लिमिट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। देखिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए आपने अभी भी देखा कि जो आपकी दी हुई एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्या है ये, एच न्यू ग्रेटर देन फाइव। अच्छा, बराबर तो बराबर देते हैं। अभी जैसे बराबर देंगे तो क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ना रहेगी उसके पास, लेकिन बाहर पहुंच जाएगा। अच्छा, जरा इस न्यू को यही रहने दीजिए, इस एच को नीचे ले जाइए। देखिए, इमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ी हो। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इससे या तो ये बड़ी हो या तो ये बराबर हो, यानी कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, फाई बटे एच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, तो कम से कम कितना होना चाहिए, बराबर यानी कि इतना। इसको हम दिखाते हैं किससे, न्यू नॉट से। तो न्यू नॉट किसके बराबर आया, फाई बाई एच। ये न्यू नॉट क्या है, डेली या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां से फाई बराबर क्या जाएगा, एच न्यू नॉट। फाई बराबर क्या गया, एच न्यू नॉट। अगर इस इक्वेशन में मैं रख दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या अगर एच बाहर निकाल लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट। ये भी क्या है, आइंस्टीन की इक्वेशन, कई कई फॉर्म में पूछी जा सकती है।
ठीक है ना, फाई की जगह क्या रख दिया, एच न्यू नॉट। अब देखिए एक होता है थ्रेस होल्ड वेवलेंथ, देखिए अभी आपको बताया था कि E इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लैमडा। अगर देखिए इसके लिए हमें एनर्जी क्या चीज, ज्यादा एनर्जी ज्यादा, तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। तो ये क्या था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर अब ऊपर वाली लिमिट आएगी क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब इससे ज्यादा ना होनी चाहिए वेवलेंथ, क्योंकि अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ बढ़ेगी तो फिर एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी, और आप जान रहे कि एनर्जी कम होगी तो इमिशन नहीं होगा। मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या था आपके पास, E इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव, E की जगह इस बार रखना है एच सी बाई लैमडा ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव। देखिए यहां से फाई को मैं इधर लेके जा रहा हूं, सॉरी लैम्डा को यहां, फाई को यहां, तो एच सी बाई फाई, इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये बड़ा वाला किसकी तरफ है, ये ओपन माउथ किसकी तरफ है, एच सी बाई फाई की तरफ। ध्यान से देखिएगा लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू यहां दी है, देखिए लैम्डा इससे या तो बराबर होगा या क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो जो लैम्डा की यहां से मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है, लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, एच सी बाई फाइव होगा ना, यहाँ एच सी बाई फाइव, इसको हम लोग नाम देते हैं लैम्डा नॉट। तो देखिए यहां से क्या गया, फाइव इज इक्वल टू क्या जाएगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी में क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है कि ये इससे ज्यादा ना होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा हुई यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ी तो एनर्जी की वैल्यू घट जाएगी, और आप जानते हैं कि मेन काम कौन कर रहा है, एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आने से रहा, क्लियर है। अब देखिए अगर इसको आप इस वाली इक्वेशन में रख दें, अगर इसको आप इस फाई की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दें तो देखिए क्या हो जाएगा, के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा माइनस एच सी बाई लैमडा नॉट। तो यहां से देखिए एच सी कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई लैमडा माइनस 1 बाई लैमडा नॉट, ये भी किसकी इक्वेशन है, आइंस्टीन की इक्वेशन। ये सब क्या है, अल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही इक्वेशन के, क्लियर है। यस सर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जो सबसे ऊपर इक्वेशन लिखी है जिसमें इक्वेशन ए लिखा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाई। देखिए फाई हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, आप जान रहे हैं। अब बची दो चीजें, एक बची काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एक बची ई। ई कौन सी एनर्जी है जो आपने दी है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो एनर्जी बढ़ेगी क्या, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएं तो ये जो ई की वैल्यू है ये बढ़ती है क्या। नो सर। अभी अभी आपको बताया था कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी तो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर आप फोटोन की या लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उसकी एनर्जी पर कोई चेंज नहीं आने वाला। अब अगर एनर्जी पर कोई चेंज आने नहीं वाला, फाई पहले से कॉन्स्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई कि नहीं हो गई। यस सर। तो आपको याद ये रखना है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोन की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, फोटोन की नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। ये जो काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, और ये जो ई है एनर्जी किसकी है, ये फोटोन की एनर्जी है जो आपने भेजे हैं। तो फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं, ये बात यहां तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। यस सर। बोले
जी सर, लिखिए, वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखिए, द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट that can cause photo electron emission is पहला ऑप्शन 400 nanometer, 400 nm नैनोमीटर, दूसरा ऑप्शन 310 नैनोमीटर, तीसरा ऑप्शन 200 नैनोमीटर, चौथा ऑप्शन 520 नैनोमीटर। तीन सौ दस नैनोमीटर। सर 310 नैनोमीटर। 310, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, नीट 2018 क्वेश्चन लिखिए, नीट 2018 बोले। यस सर। लिखिए, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी When the light of frequency 2 nu naught ब्रैकेट में लिखिएगा, where nu naught is threshold frequency, where nu naught is threshold frequency. ब्रैकेट क्लोज्ड,
इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट, द इंसिडेंट ऑन इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट, कॉमा लगाइए, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज वी वन, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज वी वन, फुल स्टॉप. When the frequency of the incident radiation, when the frequency of incident radiation is increased to 5 nu naught, is increased to 5 nu naught, comma, the maximum velocity of electrons, the maximum velocity of electrons emitted from the same plate is V2. Full stop. The ratio of V1 to V2 is, the ratio of V1 to V2, yani ki V1 ratio V2 is, pehla option 4:1, पहला ऑप्शन 4:1, दूसरा ऑप्शन 1:4, 1:4, तीसरा ऑप्शन 1:2, चौथा ऑप्शन 2:1. क्वेश्चन सबका लिख गया है? यस सर. कह रहा है कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 nu naught, तब जो ये पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटी v1 है. कह रहा है फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर 5 nu naught कर दिया जाता है तो जो पार्टिकल निकलते हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो v2 है, तो v1:v2 बताना है. सॉल्व करें, इक्वेशन सामने लिखी हुई है. नोट करिए, एक सेकंड मैं वापस आता हूं. आया आंसर?
अनमोल आंसर आया? नो सर। क्यों? मानसी दो आंसर आया? नो नो। और किसी का क्लास में आया आंसर? बोलो भैया, नहीं आया? चलिए नहीं आया तो करते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्या है जो नहीं आया। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन उठाइए भैया। कह रहा है कि जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो, पहली लाइन पढ़ें क्वेश्चन की जरा। सर व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू वी नॉट, टू वी नॉट नहीं, टू न्यू नॉट। यस सर। ये वी नहीं है, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी। Yes, देखिए कह रहा है कि जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू नॉट, मतलब टू न्यू नॉट, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू होती है टू न्यू नॉट। चलिए उठाइए इक्वेशन, तो काइनेटिक मैक्स क्या हो जाएगा? ई बराबर एच टू न्यू नॉट माइनस फाई की वैल्यू देखिए कितनी आई थी, एच न्यू नॉट। जब ये कंडीशन है तब वेलोसिटी कितनी है वी वन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी वन स्क्वायर, 2h nu naught में से h nu naught गया तो कितना बचेगा? h nu naught। यहां से देख लीजिए, चलिए इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। सेकंड में वन ले तो टू आ गया, वन दिस यू टू। यस सर। कह रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर कितनी कर दें, 5 nu naught कर दें, तो भैया दूसरी कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, h 5 nu naught माइनस h nu naught, तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है v2 हो जाती है। तो देखिए पांच में से एक गया कितना बचा, चार h न्यू नॉट। एक में से दो को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो एक में से दो को क्या किया, डिवाइड किया, तो देखिए क्या आया, हाफ m से हाफ m कटेगा, आएगा v1 स्क्वायर बटे v2 स्क्वायर, h न्यू से h न्यू कटेगा कितना आएगा, एक बटे चार, अंडर रूट ले लीजिए कितना आ जाएगा, एक बटे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए। यस सर। नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखिए।
कह रहा द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेस होल्ड वेवलेंथ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेस होल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज 3250 गुणे 10 की घाते माइनस 10 मीटर इज 3250 गुणे 10 की घाते माइनस 10 मीटर फुल स्टॉप लगाइए फुल स्टॉप के बाद लिखिए द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम ए सिल्वर सरफेस बाई अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ पच्चीस सौ छत्तीस गुणे दस की घाते माइनस दस मीटर इज इसमें आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया हुआ था लिखिए स्मॉल एच बराबर चार दशमलव एक चार गुणे दस की घाते माइनस पंद्रह इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। देखिए अभी आपको मैंने एच की वैल्यू बताई थी 6.64 × 10⁻³⁴ J/s तो इसने जूल को किस में बदल दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ताकि आपको वैल्यू रखने में आसानी हो एंड सी बराबर 3 × 10⁸ m/s जो कि आप जानते हैं ऑप्शन लिख लीजिए पहला ऑप्शन है 0.6 × 10⁶ m/s दूसरा ऑप्शन है 6.1 × 10³ m/s तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁵ m/s और चौथा ऑप्शन है 6 × 10⁶ m/s 6 × 10⁶ m/s सॉल्व करें
कोई ऑप्शन है? पता नहीं, हमारा तो यही आया, ऑप्शन लिखा है, देखो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन नहीं लिखे हमने। अच्छा और बाकी लोगों का आया? ये जो रेड मार्कर से इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को लगाइए, के मैक्स इज इक्वल टू एच सी ब्रैकेट में 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। आपको लैम्डा भी दिया है, लैम्डा कितना है 2536 गुणे 10 की घात माइनस 10, और लैम्डा नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है 3250 गुणे 10 की घात माइनस 10। के की जगह लिखिएगा हाफ एम बी स्क्वायर, के की जगह लिखिएगा हाफ एम बी स्क्वायर, और बाकी हाफ एम को भेज दीजिएगा दूसरी तरफ, स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2hc डिवाइड बाय m। m की वैल्यू आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³। वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आया भैया आंसर अनमोल? सर कर रहे हैं। अच्छा करो, सर एच का मान जूल सेकंड में रखेंगे या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख लो। या जूल सेकंड में रख लो, जूल सेकंड में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वेवलेंथ को आप मीटर में रख ही रहे हैं 10⁻¹⁰ में, तो आप जूल सेकंड में रखिए।
6.6 की घात है -34 ऑप्शन नहीं मैच कर, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। यस सर। बुरा भाग सही किए हो। जी सर। कैलकुलेशन सही करना, आंसर मैच कर जाएगा, बाकी तो वैल्यू तो सब दी ही हुई है। जी सर, बात कर लेंगे। नहीं हो ठीक है, ठीक है, एक नया क्वेश्चन लिखिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये पूछा गया है नीट 2013 में। लिखिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन From certain metal, for photoelectric emission from certain metal, the cutoff frequency is nu. The cutoff frequency is nu. Full stop. If radiation of frequency 2 nu. If radiation of frequency 2 nu impinges on the metal plate, impinges लिखा है impinges, impinges on the metal plate मतलब incident होता है, बात वही है। The maximum possible velocity of the emitted electron, the maximum possible velocity of the emitted electron will be option first likhiye 2 matlab 2 fir 2 ke baad under root h nu divide by m, दो के बाद अंडर रूट में एच न्यू डिवाइड बाई एम, टू अंडर रूट से बाहर है, फिर अंडर रूट एच न्यू डिवाइड बाई एम।
सेकंड ऑप्शन लिखिए एच न्यू डिवाइड बाई टू एम, एच न्यू डिवाइड बाई टू एम और पूरे का अंडर रूट लगा दीजिए, पूरे का अंडर रूट लगा दीजिए। सर